वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्लोरान टैबलेट के फायदे, नुकसान और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे सबकी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हर बार की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमात की मेडिसिन वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए नाजरीन हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लोरान टैबलेट ये दर्द को कम करने वाली दवाई है। इसको दर्द और कोहरा वगैरह को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पेट का दर्द, कमर का दर्द, दांत का दर्द, गले का दर्द और हड्डियों में होने वाले दर्द की पूर्ति में क्लोरान का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरान टैबलेट एक ऐसी दवाई है जिसका असर सिस्टम के अंदर कुछ ही देर तक रहता है। ये दिमाग से न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ऐसे मैसेज को राज को रोकती है जो हमें यकीन दिलाते हैं कि हमारे जिस्म के किसी हिस्से पे यानी कि हाथ पर दर्द हो रही है। इस मेडिसिन को डॉक्टर की रिकमेंडेशन या तजवीज के बाद ही करते हैं। हवाले से कुछ लोग सवाल करते हैं कि डिक्लोरान टैबलेट वाकई ही सेफ टैबलेट है, तो मैं इसके युवा में आप लोगों को बता दूँ कि ये वाकई ही डिक्लोरान टैबलेट सेफ टैबलेट है। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, बात इसके काफी साइड इफेक्ट नजर आते हैं। इसका हर चीज़ ये मतलब नहीं कि हम बगैर डॉक्टर के मशवरे से हम किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जाके खरीदते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं कि कुछ लोग दिल की बीमारी में मुबतला होते हैं, लीवर की बीमारी में मुबतला होते हैं, किडनी की बीमारी में मुबतला होते हैं, या कुछ लोग मेदे या किसी और बीमारी में मुबतला होते हैं जिनकी वजह से मेडिसिन ये वो ले रहे होते हैं। बाद अवकात ऐसा होता है इन मेडिसिन की दवाइयों के साथ डिक्लोरान को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सेफ या अनसेफ है ये तो वक्त ही बताएगा जिस शख्स के ऊपर इसके साइड इफेक्ट नजर आते हैं। अगर आप बहुत बड़ी बीमारी में मुबतला नहीं है, इसके साइड इफेक्ट भी ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी आप इसके साथ कोई रेगुलर बेस पे मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको डिक्लोरान टैबलेट के कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमिक ऑफ पेन, पेन ऑफ स्टमिक, स्टमिक में पेन होना, लूगो, एपिटाइट। अल्कोहल के साथ इफेक्ट बिल्कुल ना आए। जब तक अल्कोहल का नशा उतर ना जाए तब तक ये मेडिसिन बिल्कुल भी मत लें। अल्कोहल के साथ ये मेडिसिन लेना कम्प्लीटली अनसेफ। और ड्राइविंग के दरमियान भी इस मेडिसिन का बिल्कुल मत इस्तेमाल करें। या कोई भी ऐसा काम इसका दिमाग की बहुत ज़्यादा कुव्वत का इस्तेमाल होता हो तो इसके दरमियान भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, कम्प्लीटली अनसेफ। बात करते हैं हम मेडिसिन के डोज के बारे में। कुछ मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सुबह, दोपहर, शाम। कुछ को मेडिसिन रिकमेंड करते हैं सुबह शाम और कुछ को मेडिसिन रिकमेंड करते हैं एक ही टाइम। तो इस मेडिसिन का असर जिस्म के अंदर सिर्फ 8 घंटे यानी 8 घंटे ही रहता है, यानी कि इस मेडिसिन का हम डबल डोज यूज नहीं कर सकते, इनके 2 गोलियां अगर भी नहीं खा सकते। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट कीजिए।